एसएससी यूके और अंकिता भंडारी केस के बारे में क्या कहना है आपका? इसमें केस बिल्कुल जो संलिप्तता है भाजपा नेताओं की जो सामने आई है वो आज बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग को मस रहा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता ने कहा कि एक वीआईपी को कंपनी देने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो वीआईपी कौन है ये सवाल आज उत्तराखंड के दिमाग में भी है, ये देश भर के उन लोगों के उसमें है जो अंकिता की हत्या से पीड़ित है या उसे दुखी है, ये आम सवाल है क्योंकि आखिर वो वीआईपी कौन है। उत्तराखंड की बात करते हैं, कई एमएलएज ने गैरसन में लिखा भी है कि जो सेशन है वो वहाँ ना किया जाए और उसके बजाय देहरादून में किया जाए, कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? ये सब मैनेज्ड है, सरकार द्वारा मैनेज किया गया है। उनको नहीं जाना था गैरसैंण, वो दो तीन निर्दलीय लोगों से कहा तुम्हारे काम करेंगे भाई, तुम जो है लिख करके भेज दो करके है? और फिर भाजपा को सरकार को अपनी घोषणा को देखना चाहिए ना। दो साल हो गए तुमने जो है गैरसैंण में कोई सत्र किया ही नहीं, कोई सत्र नहीं, इतना बड़ा विधान भवन है वो इंतजार कर रहा है और घोषणा बड़ी कर रहे हो, पहले हमने देश की राजधानी बना दी, एक पत्थर नहीं, एक चपरासी नहीं, एक कार्यालय नहीं खोला और केवल जितना काम कांग्रेस के समय में हुआ वही पर ठहरा हुआ। एसएससी यूके और अंकिता भंडारी केस के बारे में क्या कहना है आपका? इसमें केस बिल्कुल जो संलिप्तता है भाजपा नेताओं की जो सामने आई है वो आज बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग को मस रहा है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता ने कहा कि एक वीआईपी को कंपनी देने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। वो वीआईपी कौन है ये सवाल आज उत्तराखंड के दिमाग में भी है, ये देश भर के उन लोगों के उसमें है जो अंकिता की हत्या से पीड़ित है या उसे दुखी है, ये आम सवाल है क्योंकि आखिर वो वीआईपी कौन है। जांच को इतना समय हो गया, आपको लगता है कि सारे तथ्य सामने आए हैं? दूसरी बात ये भी उठाई जा रही है कि जहां दूसरे प्रदेशों में गैंगस्टर्स के ऊपर बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, यहां पर एक के बाद एक लोगों को बेल भी मिल रहे हैं। नहीं, यहां बेल भी मिल रही है और केस इतना कमजोर कर दिया जा रहा है और अंकिता के हत्याकांड में भी जो है बुलडोजर यहाँ भी चलाया गया, लेकिन बुलडोजर साक्ष्य नष्ट करने के लिए चलाया गया। जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें रिजॉर्ट में लगे हुए उनको तोड़ लिया गया, जिस कमरे में अंकिता और वो रहते थे उस कमरे को तोड़ दिया गया, उसके मोबाइल को नष्ट होने दिया गया, इतने दिन पानी में से उसको ट्रेस नहीं किया गया, उसकी बॉडी को निकालने में 7 दिन लगा दिए गए, सबको मालूम था कि किस नहर के अंदर वो डूबी हुई है करके। तो साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है। मैं अब ये आरोप लगा रहा हूँ, पहले मैं कह रहा था नाम बताओ, लेकिन अब मैं आरोप लगा रहा हूँ कि उसको बचाने में सत्ता जुटी हुई है। कौन है वीआईपी ये सारा उत्तराखंड जानना चाहता है और इसको सारा देश जानना चाहता है। एक बड़ी बात कह रहे हैं हरीश रावत कि बचाया जा रहा है आरोपियों को, और सरकार में कौन बचा रहा है और क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू।